नमस्कार दोस्तों, घर का खाना सेहत का खजाना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मेरी मम्मी के हाथों से बनी स्पेशल मैगी चाट, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी, चटपटी और बेहद लाजवाब है। यह मैगी से बनी अलग ही यूनिक रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, यह आपको बेहद पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक देखें और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसी तरीके की मज़ेदार और स्वादिष्ट रेसिपी जानने के लिए हमारे YouTube चैनल घर का खाना सेहत का खजाना को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैगी चाट बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेनी होगी मैगी। हमने मैगी के 2 पैकेट लिए हैं। आप अपने हिसाब से चाहे तो 1 या 2, चाहे तो इससे ज़्यादा पैकेट भी ले सकते हैं। अब इन मैगी को पैकेट में ही छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लेते हैं। मैगी को पैकेट में ही तोड़ने से फ़ायदा ये रहेगा कि मैगी के टुकड़े इधर उधर नहीं बिखरेंगे, मैगी के टुकड़े पैकेट के अंदर ही रहेंगे। अब इसके बाद हमने यहाँ पर लिए हैं 2 बड़े साइज के प्याज, जिसे हमने इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, जिन्हें हमने प्याज की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 3 हरी मिर्च और थोड़ा बारीक कटा हरा धनिया, 1 नींबू। तो अब हम एक बर्तन लेंगे, इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल, इसे गरम करेंगे। जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है, तब तक हम अपने मैगी के पैकेट फाड़ लेते हैं। इसके अंदर के मसाले के पैकेट को बाहर निकाल लें। ये देखिए हमारे मैगी के कितने अच्छे छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं। ये बहुत इजी तरीका है मैगी तोड़ने का। अब हमारा तेल गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे मैगी के छोटे छोटे टुकड़े। अब इसको तेज़ आँच में भूनेंगे और जैसे ही इसका रंग थोड़ा लाल होना शुरू हो जाए, तब इसको लो टू मीडियम फ्लेम में भूनेंगे। और जब तक भूनेंगे, जब तक कि इसका रंग सुनहरा लाल या भूरा ना हो जाए। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है मैगी को भूनने की, इससे मैगी कच्ची नहीं रहेगी और बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको पास से दिखाता हूँ, हमारी मैगी अच्छे तरीके से भून चुकी है। आप क्लियरली देख सकते हैं मैगी का रंग कितना बढ़िया आया है, नाइस गोल्डन कलर। कहीं से भी कच्ची नहीं दिख रही है मैगी। मैगी का एक एक दाना बराबर भुना है। यह बहुत ही कुरकुरी है, बिल्कुल नमकीन की तरह, जिसे आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन हम बना रहे हैं अपनी टेस्टी मैगी चाट। क्योंकि हमारी मैगी के टुकड़े भुन चुके हैं, तो गैस कर देंगे बंद। अब हम लेंगे एक बड़ा सा पतीला, इसमें हम डालेंगे अपनी भुनी हुई मैगी। अब इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटे टमाटर, हरी मिर्च इच्छा अनुसार, बारीक कटे प्याज, बारीक कटा धनिया। अब डालेंगे इसके ऊपर जायकेदार मसाले, भुना जीरा पाउडर डाल रहे हैं 1 चम्मच, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसमें रंग भी अच्छा आएगा, टेस्ट भी बढ़ेगा। अब डालेंगे थोड़ा काला नमक, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट तो मज़ेदार होगा ही। थोड़ा सा डालेंगे अपना सफ़ेद नमक स्वाद अनुसार। अब डालेंगे मैगी मसाला। अब हम अपनी मैगी चाट को खट्टा मीठा स्वाद देने के लिए डालेंगे अपनी स्वादिष्ट घर में बनी इमली की चटनी। दोस्तों, अगर आपके पास इमली की चटनी नहीं है, आप इसमें टमाटो केचप डाल सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और अगर आप इमली की चटनी की रेसिपी जानना चाहते हैं, तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर लेना। इमली की चटनी डालने के बाद इसमें डालेंगे पुदीना धनिया से बनी चटनी और अब डालेंगे 1 नींबू का रस। इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी हमारी मैगी चाट में और साथ ही स्वाद भी बेहद टेस्टी होगा, जिसका कोई जवाब नहीं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों, खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। तो लीजिए दोस्तों, हमारी बेहद मज़ेदार, खुशबूदार, एकदम चटपटी, बहुत लाजवाब और कुरकुरी मैगी चाट बनकर तैयार है। फटाफट से सर्व करते हैं। इसके लिए हम ले रहे हैं 1 पेपर प्लेट, इसमें डालेंगे बेहद चटपटी, बेहद स्वादिष्ट कुरकुरी मैगी चाट। थोड़ा डालेंगे ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया, जिससे दिखने में और भी अच्छी, ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अब ली हमने 1 चम्मच, इंतज़ार हुआ ख़त्म। लव मम्मी, ये प्लेट मुझे दे दो। देखो मम्मी हो गई है बहुत खुश। तो दोस्तों, मैं तो इसे खाकर बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। सच में दोस्तों, इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है। तो चलिए दोस्तों, आप भी इस लजीज जायकेदार कुरकुरी मैगी चाट को ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बेहद पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी आज की ये रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो 1 लाइक तो बनता है।
वीडियो जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।